आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। आप इसे पार्टीज में सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाइए, कोई त्योहार है तब बनाइए, या फिर आप इसे अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बिरयानी बनती है ये। तो इसे बनाने के लिए पहले हमें लेना है 1 किलो चिकन। ये बोनलेस चिकन है, इसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। अब इसमें सबसे पहले डाल देते हैं 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे जीरे का पाउडर, आधा चम्मच डालते हैं काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, 2 चम्मच भर के डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, 3 बड़े चम्मच भर के डालेंगे दही, 1 नींबू का रस डाल देते हैं, ये करीब 3 चम्मच नींबू का रस है। अब डालते हैं 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे मैदा, 1 फेटा हुआ अंडा डाल देंगे इसमें। अब डाल देते हैं इसमें नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए, मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच भर के फूड कलर, ये टोमेटो रेड फूड कलर है तो ये डाल देंगे, इससे टिक्के का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथों से, और चिकन को अब हमें मैरिनेट करना है मिनिमम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो इसे आप ज्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन मैरिनेट करने के बाद हमें इसे फ्राई करना है, तो मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। चिकन टिक्का एक एक करके तेल में डाल देते हैं। एक तरफ टिक्का अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर हम इसे पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह से पक जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इस पर, तब हम इसे निकाल लेंगे। काफी अच्छा सा कलर आ गया है चिकन टिक्का का, इसी तरह से हम सारा चिकन टिक्का फ्राई कर लेंगे। तो ये सारा चिकन टिक्का फ्राई होके रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब बिरयानी का मसाला हमें बनाना है, तो एक पैन में ले लेंगे 1/2 कप तेल। इसमें डालते हैं 1 दालचीनी का टुकड़ा करीब 2 इंच का, 1 काली बड़ी इलायची डालेंगे, 6 हरी इलायची डालते हैं, 1 डाल देंगे बादियान का फूल, 1/2 जावित्री का टुकड़ा डालते हैं, 6 से 7 डाल देंगे लौंग, 1/2 चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च, जीरा डालते हैं 1 चम्मच भर के, 2 से 3 डाल देंगे इसमें तेज पत्ता। अब ये खड़े मसाले को हमें फ्राई करना है हल्का सा, बस आधे मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर चॉप किए हुए। टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये टमाटर पक गया है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरे का पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला, ये कोई भी बिरयानी मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। अब मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पका लेना है। मसाला अच्छी तरह से पक गया है, सारा तेल जो है सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर हमें डाल देना है तली हुई प्याज। तो ये 4 मीडियम साइज की तली हुई प्याज है, करीब 1.5 कप तली हुई प्याज है। इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। प्याज को क्रश करने के बाद मसाले में डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 कप भर के दही। अब मसाले के हिसाब का नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। दही डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक हमें पकाना है। मसाला अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीब 1/2 कप। मसाला इतना पतला होना चाहिए कि अच्छी तरह से चावलों पर फैल जाए। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देते हैं इसमें, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे, और इसे मिक्स करते हुए पकाते हैं बॉईल आने तक। तो ये मसाले में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हमने जो टिक्का फ्राई करके रखा हुआ है ये इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। टिक्के को मसाले के साथ पकाना है बस 2 मिनट के लिए। अगर हम ज्यादा पकाएंगे टिक्के को मसाले के साथ तो सारी जो कोटिंग है ये निकल जाएगी। अगर हमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए बिरयानी में तो इस स्टेज पर हम मसाले में कोयले का धुआं दे सकते हैं। बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है, अब चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3.5 से 4 लीटर पानी गर्म हो रहा है। इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी इलायची, 1 डाल देंगे बादियान का फूल, 1 काली बड़ी इलायची डालते हैं, 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1/2 चम्मच डालते हैं काली मिर्च, शाही जीरा डालना है 1 चम्मच,
तीन से चार डाल देते हैं हरी मिर्च, दो से तीन डाल देंगे तेज पत्ता, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देते हैं, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है चावल में। अब चावल के पानी को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं, कम से कम ये 5 मिनट के लिए बॉईल हो जाए, तब हम इसमें से जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये सारा खड़ा मसाला मैं निकाल रही हूँ, बस शाही जीरा और काली मिर्च इसमें रह जाएगी। अब इसमें डाल देते हैं आधे नींबू का रस, 2 चम्मच भर के डालते हैं नमक, 2 बड़े चम्मच भर के इसमें डाल देते हैं तेल, ये 800 ग्राम भिगोकर धोए हुए बासमती चावल है ये डाल देंगे। चावलों को हमें करीब पूरा ही पका लेना है, कम से कम 90% इसे पकाना है। तो चावल जब तक पक रहे हैं हम बिरयानी का बर्तन रेडी कर लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनानी है इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के घी, इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब चावल चेक कर लेते हैं, चावल 90% पक गए हैं। अब चावलों को पहले बिछा लेते हैं। अब बिरयानी के मसाले से मैंने 7 से 8 टिक्के बाहर निकाल लिए हैं, इसे हम सेकेंड लेयर के लिए यूज करेंगे। अब मसाले को चावलों पे अच्छी तरह से बिछा लेते हैं, सारी जगह मसाला पहुंच जाए इस तरह से इसे बिछा देंगे। अब इसमें डाल देते हैं चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देंगे, बाकी का जो चावल है ये इस पर बिछा देते हैं। अब तो ये चावल अच्छी तरह से हमने बिछा लिया है, अब इस पर डाल देते हैं 2 चम्मच भर के घी, 2 चुटकी पीला फूड कलर है जिसे मैंने 2 बड़े चम्मच में मिक्स कर लिया है, इसे डाल देंगे। आप चाहें तो दूध या पानी में मिक्स करके जाफरान भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इस पर डाल देंगे तली हुई प्याज, हल्का सा एक मिक्स दे देते हैं ताकि कलर जो है अच्छी तरह से फैल जाए चावलों पर। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देते हैं इसमें, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे। अब इस पर डाल देते हैं टिक्का जो हमने साइड में निकाल कर रखा हुआ था, थोड़ी सी डाल देते हैं इस पे तली हुई प्याज, 1 से 2 चम्मच भर के डाल देते हैं केवड़ा वाटर। तो ये हमारी बिरयानी सेट हो गई है। अब इसे हमें पकाना है बस 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, चावल भी 90% पका हुआ है, तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत सी खुशबूदार चिकन टिक्का बिरयानी बनके रेडी हो गई है। जितनी ये बिरयानी दिखने में खूबसूरत है उतनी ही टेस्टी और जायकेदार बनती है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे डिश में, आप इसे सर्व कर लीजिए रायता या सैलेड के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।